अबे मैनेजर, एक बात तो बता, इस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ तो हुआ कैसे? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे सर, मुझे लगता है कि वो टेक्निकल इशू की वजह से हुआ हो, तो इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। हाँ सर, इसका हमारे पास इंश्योरेंस है, तो हम बीमा कंपनी पे जाके इसको चेंज करवा सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं शोरूम पर और गाड़ी को चेंज करवा के आते हैं ना। तो ज़्यादा वहाँ पर तू भी आ जा, तू पैदल ही आएगा। अब तुझसे एक गाड़ी का ध्यान रखने की बोला था, वो तो नहीं हुआ तुझसे, अब तू पैदल आएगा। तो चलो चलते हैं फटाक से शोरूम पे और हमारी गाड़ी को चेंज करवा के आते हैं, क्योंकि तो इस गाड़ी में तो हो चुका है भयंकर ब्लास्ट, तो उसको तो हमें ठीक करवाना ही होगा। तो चलो गाड़ी से उतरते हैं, मैनेजर आ चुका है। अबे मैनेजर, गाड़ी में ब्लास्ट हुआ किससे? हमें नई गाड़ी एक्सचेंज में चाहिए। सर ऐसा नहीं है, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कोई पुलिस नहीं है जिससे हम गाड़ी आपको एक्सचेंज दे सके। हम इसको रिपेयर नहीं, हम गाड़ी लेके एक दिन ही हुए हमारे, हमें तो गाड़ी हमें एक्सचेंज ही चाहिए, नहीं तो हम यहाँ पे सारी गाड़ी फोड़ जाएंगे और तुझे भी साथ में। सर आप ऐसे धमकी नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे रहा हूँ मैं, करके दिखा सकता हूँ। मैं तुझसे सही से बोल रहा हूँ, गाड़ी एक्सचेंज करके दे दे हमें। सर ऐसा कोई भी रूल नहीं है हमारे यहाँ, तो हम गाड़ी एक्सचेंज करके दे, तू गोली खाएगा फिर। अरे सर ऐसा मत करिए। अबे मैनेजर, तू हट जा, नहीं तो तू भी साथ में ही खाएगा। चलो, अरे सर आपने ये क्या कर दिया, शोरूम मालिक को गोली मार दी। चलो फिर भी जिंदा है, फिर भी अभी इसको मैं मारूंगा, ऊपर से मारूंगा इसको। तो ज़्यादा चालाक बन गया था शायद। सर आप यहाँ से निकल जाइए, पुलिस केस हो जाएगा, वरना आपने इसको मार तो दिया है, पर अब यहाँ से निकल जाइए। मैं क्या पुलिस से डरता हूँ क्या? इसका तो मैं शोरूम फोड़ के जाऊँगा, पहले तो ये शोरूम लगाने के लायक नहीं रहेगा। मैनेजर हट जा तू, मैनेजर कोई फोड़ दिया बे। अबे ये तो पुलिस वाली गाड़ी तो भयंकर तरीके से आ रही है यार, अभी क्या कर सकते हैं? अभी हमें भागना ही पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मैनेजर सही बोल रहा था, मैनेजर को भी हमने मार दिया, अभी दूसरा ढूंढना पड़ेगा, उससे पहले तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। थार मंगवा लिए हमने, अभी थार को लेकर जाना पड़ेगा। पुलिस की गाड़ी हमारे आसपास चक्कर लगा रही है, तो पुलिस वालों से तो बच के जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें ये ख़त्म कर सकते हैं ना। तो चलिए, अभी तो हम घर की तरफ निकल चुके हैं, क्योंकि घर हमारा ज़्यादा दूर है नहीं, पीछे की साइड तो आ चुके हैं। अभी गाड़ी लगाते हैं हम गैरेज में, उसके बाद ही चलते हैं घर के अंदर। तभी हमने गाड़ी तो लगा दी है गैरेज के अंदर, अभी उतरते हैं गाड़ी से, उसके बाद में चलते हैं घर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर ही हम सेफ़ रह सकते हैं ना, यहाँ तो अभी भी हम सेफ़ नहीं हैं। तो अभी हम चलते हैं, पुलिस वाले गोली अलग चला रहे हैं यार। अबे ये सामने कहाँ से आ गए, ये सामने से गोली चला रहा है, इससे बच के जाना पड़ेगा, नहीं तो हम एक या दो गोली में ही ख़त्म हो सकते हैं। चलो इस रूम में चलते हैं फटाक से। अबे इसमें तो गेट ही नहीं है रे सामने का, अब हम सामने घिर जाए, पीछे फिर से हमें रिक्स लेकर जाना पड़ेगा सामने से ही भाग कर। तो चलते हैं सामने से ही भाग कर, और ये चलो इस रूम में, अबे इसमें भी गेट नहीं होगा, फिर सामने से ही चलते हैं ना, सामने से ही जाना पड़ेगा मुझे, अभी तो ऐसा लग रहा है। तो सामने से आ चुकी है अभी तो हम ऊपर, और अभी हमारी सेफ्टी के लिए हम गन निकाल लेते हैं, कभी पुलिस वाले यहाँ पे आए तो हम पुलिस वाले को ख़त्म तो कर सकते हैं ना। तो चलो, ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।